नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। कोहली के प्रदर्शन और हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। विराट कोहली ने खुद ही T20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी थी। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनसे वनडे टीम की कप्तानी भी छीन ली है। आप यह सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन इसे आप छीनना ही कह सकते हैं, क्योंकि कोहली कप्तानी छोड़ने को तैयार नहीं थे। जबकि BCCI ने कोहली को कप्तानी छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय भी दिया था। PTI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोहली ने पहले ही T20 से कप्तानी छोड़ दी थी। ऐसे में BCCI ने उन्हें वनडे की कप्तानी से भी इस्तीफा देने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। BCCI के सिलेक्शन कमेटी ने इस तय समय तक कोहली के रिस्पॉन्स का इंतजार किया। जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने 49वें घंटे में खुद ही फैसला ले लिया और रोहित शर्मा को T20 के साथ वनडे टीम की कप्तानी भी सौंप दी। बोर्ड ने यह फैसला 2023 में भारत की मेजबानी में ही होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए लिया है। हालांकि अब तक कोहली का भी कुछ बयान नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोहली 2023 वर्ल्ड कप तक कप्तान बने रहना चाहते थे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। कमेटी ने तभी यह फैसला कर लिया था जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। कोहली करीब 5 साल से टीम की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में सिलेक्शन कमेटी उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहती थी। उन्होंने मौका भी दिया, लेकिन अंत में कमेटी को अपनी कलम चलानी पड़ी और कोहली को बर्खास्त कर दिया। कोहली हमेशा से ही पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के उलट आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल आगे जो भी इस मामले में अपडेट आएगा, हम आपको बताएंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स आर।